प्लान मुझे लेके डाल्टनगंज शहर के शिवाजी मैदान में भाजपा का प्रमंडलीय परिवर्तन यात्रा का समापन महासभा कार्यक्रम किया गया। इस परिवर्तन यात्रा महासभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी शिरकत किए। परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के दौरान पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान का स्वागत किया। इस परिवर्तन यात्रा समापन में हजारों हजार की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हुआ शामिल। परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने 5 वर्षों में सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन नौकरी के नाम पर आश्वासन ही मिला, नौकरी नहीं मिली। नौकरी देने के नाम पर परीक्षा का भी आयोजन करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह ठग बंधन की सरकार है, जहां पेपर लीक करने वाली है सरकार बन चुकी है। आए दिन युवाओं को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। हमारी सरकार बनेगी तो इन सब का हिसाब लिया जाएगा। वहीं जनता से अपील की है कि झारखंड से जेएम की सरकार को हटाना है और भाजपा की सरकार बनाना है। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह माटी मैया और रोटी सब लूट रहा है। झारखंड को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता में लाना है, इसलिए इस बार ठगबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसलिए यह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई थी ताकि पूरे झारखंड में परिवर्तन हो सके। झारखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इसका बता दीजिए। प्रगति और विकास की दिशा में झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का पाप हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार की अति है, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं इनके नेताओं के घर से, बालू बाल्टी में बिक रही है, माताओं और बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। 7,000 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, 7,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई है, 6,000 से ज़्यादा अपहरण हुए हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची है, बिना लिए दिए हैं कुछ होता नहीं है और घुसपैठिए बांग्लादेशियाँ खुल के खेल रहे हैं। एक भी वादा पूरा नहीं किया, इनकी वादे की पोल तो ढोल से भी बड़ी है। एक वादा पूरा नहीं किया, चुनाव के समय केवल टुकड़ा डालने का काम कर रहे हैं। जनता इनके भ्रम में नहीं आने वाली। ये गठबंधन ही ठगबंधन है जिसने जनता को ठगा है, और इसलिए परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन की लहर चली है जो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। एक सवाल खाली, आप केंद्रीय मंत्री हैं और अगर सरकार बनती है तो पलामू को विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? पलामू में आपने इतना अच्छा ये प्रमंडल है, यहाँ की बहती नदियाँ, पानी सब चला जाता है समुद्र में। यहाँ के नदियों के पानी को रोक के हम कैसे किसान के खेतों तक पहुँचाएँ? अरहर यहाँ होती है बहुत अच्छी, पहले बहुत अच्छी होती थी, हम खरीदेंगे किसानों न्यूनतम समर्थन मूल्य में। किसान मित्र आए हैं, उनका ज्ञापन मुझे मिलेगा तो उस पर भी मैं विचार करूँगा। हम पलामू प्रमंडल सहित पूरे झारखंड की तस्वीर बदल के आपको दिखाएंगे, पूरे घोषणा पत्र में सारी बातें हम कहेंगे। मामा अपने बहनों को क्या देगी जी? मामा अपने बहनों जी, मामा प्रेम भी बांटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी और जन कल्याण भी। मजा नहीं आता है, चुनौती होना ही चाहिए, चुनौती नहीं होगी तो फिर जीत का भी कोई मजा नहीं है।
इसलिए मैं तो चाहता हूं कि जितना भारी चुनौती होगी जीत भी उतनी ही भारी होगी। लगातार जो है बात आ रही है कि उमैया सम्मान योजना से लोगों में उत्साह है, उमंग है, कल्पना सोरेन एक तरह से पहले तो मैं कहूंगा कि लोगों को इस बात की पता है ये वोट के खातिर वो चारा दे रही है। अगर हेमंत सोरेन को माँ बहनों के सम्मान की चिंता होती एक साल पहले से देती, दो साल पहले से देती, और उन्होंने जो घोषणाएं की थी महिलाओं को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे तो अब 5 साल से देती, क्यों 5 साल तक नहीं दी? तो इसलिए लोग जानते हैं कि घोषणा करके अगर 5 साल कुछ दिया नहीं और 2 साल अगर 1000 बांट रही है सरकार, इसका मतलब है सीधा चुनाव में वोट लेने के लिए। इसलिए जनता अच्छी तरह से जानती है, इसलिए 2000-3000 जो भी महीना में मिलेगा, 1-2 महीना, वो ले भी लेगी और वोट इस बार बीजेपी को देगी, क्योंकि बीजेपी का क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता लोग जानते हैं। पड़ोस के राज मध्य प्रदेश है, पड़ोस के राज छत्तीसगढ़ है, पड़ोस के राज उड़ीसा है, वहाँ हमारी योजना पहले से चल रही है। जब घोषणा करती है बीजेपी पूरा करती है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने भी कहा था कि भई हम 5 किलो अनाज मुफ्त में देंगे देश के 80 करोड़ की आबादी पर, प्रत्येक महीना दे रही है, और कहा 2029 तक देंगे। किसानों के खाते में भी साल में 6000 रुपया भेज रही है। तो लोगों को पता है कि कौन बोलता है और करता है, ये तो बाबूजी का कसम भी खा करके पूरा नहीं करता है, तो इस पर कैसे लोग भरोसा करें? एक सवाल, झारखंड की राजनीति में इस बार का चुनाव के परिणाम के क्या लगता है कि कितने सीटों से भाजपा इस बार? देखिए, मैं सीटों के बारे में गिनती नहीं करता हूं, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन ने 51 सीटों पर लीड किया है, तो इस बार 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को झारखंड प्रदेश में मिलेगा।